हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपको मैं अपनी मोस्ट फेवरेट चाउमीन, और जिसे स्पेगेटी भी कहते हैं, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी बट पाकिस्तानी स्टाइल में मैं सिखाऊंगी, क्योंकि चाइनीज अगर आप डिश खाओ तो बिल्कुल ही सिंपल सादी सिर्फ नमक के साथ होती है, लेकिन हम लोग कुछ उसमें अपना पाकिस्तानी तड़का डालते हैं। तो ये मैंने सारी जो सब्ज़ी है, जिसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज जिसे आल वाली प्याज भी कहते हैं, और बंद गोभी है। तो यहाँ मैंने यखनी बना ली थी चिकन की, जो कि नॉर्मल, इसमें मैंने लहसुन अदरक और लौंग और काली मिर्च और हल्का सा नमक डाला है। फिर मैंने इस तरह अलग से निकाल रही हैं, उसके बाद इसको मैं इस तरह कर लिया, मैंने इनको फोक की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ताकि चाउमीन में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। उसके बाद जो बाकी हड्डियाँ बची, मैंने दोबारा यखनी में डाल के अच्छी तरीके से और पकाया। थोड़ा सा पानी रह जाने दिया, मतलब थोड़ी सी यखनी रह गई जो मैं बाद में चाउमीन में डाल सकूँ। यहाँ मैंने पानी गरम करा है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, विनेगर डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल। अगर विनेगर नहीं है तो आप उसमें, तो होना चाहिए, चाइनीज़ बना रहे हैं होना चाहिए, नहीं तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बिल्कुल। यहाँ मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी, और फिर से मैं एक मरतबा चलाने के बाद फिर से पानी को खौलाने हम रख देंगे। तब तक मैं अपनी स्पेगेटी को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी पसंद नहीं है, फिर वो मुँह से लटकती हैं और फिर फोक में आ नहीं पाती, इसलिए मैं इसको बीच से तोड़ लेती हूँ। फिर ये तोड़ी भी ही मैं उसी में डाल दूँगी, ताकि फिर छोटे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, सोया सॉस डलेगा और इसमें चिली सॉस डलेगा, चाइनीज सॉल्ट डलेगा, और कनौर के चिकन क्यूब्स डलेंगे इसमें। अच्छा, ये मैंने सारी अब हो गई थी, पानी निकला है, ये इतना सा पानी निकला है इसमें से, क्योंकि मैंने थोड़ा ही डालना है। अच्छा, मुझे गीली गीली पसंद है स्पेगेटी जो होती है, जो चाउमीन होते हैं वो ज़्यादातर लोग ड्राई खाते हैं, लेकिन मुझे ड्राई नहीं पसंद, मैं उसको थोड़ा सा ना गीला गीला सा रखती हूँ। अच्छा, मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन के तड़का मैं लगाऊँगी, क्योंकि एक खिल जाता है फ्लेवर ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ट्राई करेगा अगर आपने कभी लहसुन के तड़के के साथ नहीं किया। अच्छा, इसमें मैंने अब गाजर डाल दी, क्योंकि गाजर और शिमला मिर्च जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा गलने में, और क्योंकि ज़्यादातर तो आपने चाइनीज़ में देखा होगा कि हल्का सा कच्चा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे कच्चा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सारी सब्ज़ियाँ प्रॉपर पकी हुई चाहिए। यहाँ मैं कुटी मिर्च डाल रही हूँ, और अगर कुटी मिर्च नहीं है तो ज़्यादातर तो मैं इसमें ना घर में जो हमारी लाल साबुत मिर्च की और लहसुन की जो चटनी बनी होती है हम वो डालते हैं, लेकिन वो बनी हुई नहीं थी इस वक्त, तो मैंने डायरेक्ट लहसुन के तड़के के साथ ही इसमें लाल कुटी मिर्च डाल दी, ज़्यादा नहीं, एक से दो चमचे, जितना आप मिर्च खा सको उतना। उसके साथ ही मैं शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें साथ थोड़ा सा इनको हल्का सा नरम पड़ने के बाद फिर मैं बाकी सारी जो सब्ज़ियाँ हैं जो दो रह जाती हैं वो भी मैं डाल दूँगी। सारी सब्जियां डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी यखनी, थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करेंगे, एकदम से सारी यखनी नहीं डाल देंगे। इसके बाद मैंने विनेगर डाला है इसमें, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चिली सॉस, और फिर डालूंगी मैं सोया सॉस, ये इस वक्त चिली सॉस जा रहा है इसमें, और जितना आपको स्पाइसी खाना आप उसी हिसाब से चिली सॉस डालो, या मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि लाल कुटी मिर्च है या चटनी डालनी हो तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें, इसे मुझे सब अंदाज़ा है इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ, मैं कोई चमचे वगैरह से नाप कर नहीं डालती, क्योंकि मुझे सब चीज़ों का ख़ुद से अंदाज़ा है। ज़ाहिर इंसान जब खाना पकाता रहता है तो उसे चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना कब क्या डलेगा, और ये आप टीवी वगैरह में, या मैं कोई प्रॉपर शेफ़ वगैरह तो हूँ नहीं जो मैं आपको एक चीज़ नाप के बताऊँ कैसे डालें, बस जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बनाया है खाना, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और ये मैंने इसमें एक ही पैकेट डाला था, क्योंकि ऑलरेडी चिकन है और चिकन का सूप यानी यखनी है इसमें, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पैकेट डाला था। इसके अंदर एक पैकेट में दो होते हैं, सभी को पता होगा। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, जिसे अजीनोमोटो भी कहा जाता है, जो कि मार्केट से कुछ टाइम पहले शॉर्ट हो गया था, मिल नहीं रहा था, शायद अभी भी नहीं मिल रहा, लेकिन हमें तो मिल जाता है जब हम जाते हैं जहाँ से मंगवाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ जाएगी काली पिसी मिर्च, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी होती है चाइनीज़ में, तो लाजमी होती है, तो ये भी आप अपने हिसाब से डालें, जिस ये भी स्पाइसी कर देती है। तो बस ये सब डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, और आप देख रहे हैं कि सब्ज़ियाँ काफ़ी हद तक गल चुकी हैं,
ज़ाहिर है सब्ज़ी वैसी जल्दी गल जाती है और अपना पानी भी छोड़ती है। तो चिकन की यखनी भी डाली है हमने, सॉस डाली है, विनेगर डाला है, तो वो सब भी पालक पे ही होता है, तो वो अच्छी तरीके से सब्ज़ी को गला देता है। अब जो हमने चिकन रखी हुई थी छोटे छोटे पीसेस करके, रेशे तो नहीं कहूँगी, छोटे छोटे पीसेस करे हुए थे, तो फिर वो भी डाल दिया इसमें और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएँगे। अच्छा, अब इसमें एक चम्मच भर के मैं केचप डालूँगी। केचप हो या फिर आपके पास चिली गार्लिक हो तो वो आप डाल सकते हो। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर और जो प्याज़ है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको डालनी है या नहीं डालनी है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब बनाते हैं, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, तो वो प्याज़ और टमाटर लाजमी डालते हैं। प्याज़ मुझे नहीं पसंद क्योंकि कंपनी उसकी अजीब सी स्मेल होती है और मुझे टेस्ट में कुछ खास पसंद नहीं है। लोग वैसे भी कच्ची प्याज खाते हैं सैलड के साथ, मुझे नहीं पसंद, तो मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने डाला भी नहीं। टमाटर भी मैंने बहुत थोड़े से डाले हैं, इसलिए कि बस दिख जाए उन्हें कि हाँ मैंने टमाटर डाले हैं। तो फिर मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें नमक डालूँगी हसबे जायका, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी रखा था ताकि चिकन का जो हो उसमें बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे, तो इसलिए नमक हमने बिल्कुल एंड में डाला है। अब हम इसमें जो हमारी चिकन थी, जो कि हमने बिल्कुल रेशा नहीं करी थी लेकिन थोड़ी थोड़ी मोटी रखी थी, तो वो अब हम डाल रहे हैं उसमें, अच्छी तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हमारी बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी सब्ज़ी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसमें हमारे सिर्फ जाएंगे स्पेगेटी, तो चलिए अब स्पेगेटी की तैयारी करते हैं। तो पानी हमने खौलाने रख दिया था और ये अच्छी तरीके से पानी खौल गया है। उसके बाद हमने स्पेगेटी इसमें डाल दिए थे, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मुझे लगा कैमरा रिकॉर्ड करा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ डालते वक्त की वीडियो। उसके बाद इसको चलाते रहना है ताकि ये अब जुड़े नहीं, मतलब मिले नहीं, आपस में जुड़े नहीं, और उस वक्त मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने इसी से चला दिया। और उसके बाद आपको उसको चलाने के साथ साथ फौरन चेक भी करना है कि कितना आपको उसको रखनी है, हल्की कनी रखनी है या प्रॉपर, अगर आपको पकाने हैं तो प्रॉपर पका लें, आपकी मर्ज़ी पर है। वैसे आप हल्की बिल्कुल लाइट सी कनी रख कर उसको निकाल लें, और फौरन ही निकालते ही छन्ने में जब छाने के उस पर ठंडा पानी डाल दें, यानी नल का पानी डाल दें, तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। फिर जस्ट मैंने इसमें सब्ज़ी में मिला दिया और फिर इसको अच्छी तरीके से आप मिलाएं। मेरे हाथ में एक कैमरा था तो मैं नहीं मिला पाई सही से, फिर मैंने और फिर दो चमचे से मिलेगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलता, फिर टूटने का भी डर नहीं होता। तो मैं एक ही चमचे से और एक हाथ में कैमरा था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन फिर मैंने कैमरा थोड़ी देर साइड में रख कर मैंने मिलाया अच्छे से मिलाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी वीडियो। तो ये मैंने यहाँ अच्छे से मिला लिया था और ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो ये इसका लुक है। तो आज की इसी यमी सी रेसिपी के साथ आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।